हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद प्रिंसेस। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं धनिया को स्टोर करने की एक आसान सी ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप लंबे समय तक धनिया को स्टोर करके रख सकते हैं। हमने धनिया का एक बड़ा सा गट्ठर ले लिया है, हमने इसका जड़ वाला भाग निकाल दिया है और इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और हमने इसके पानी को अच्छे से सुखा लिया है। अब इसके जो मोटे मोटे डंठल हैं इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे और जो पत्ते पत्ते डंठल है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि डंठल में ही खुशबू रहती है। इस प्रकार से स्टोर करने से धनिया पत्ती की खुशबू बरकरार रहती है। इस प्रकार से हम सारे मोटे डंठल को निकाल कर अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धनिया के मोटे डंठलों को निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम दूसरी प्लेट में धनिया पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बारिश के दिनों में धनिया पत्ती महंगी हो जाती है, आप इस प्रकार से स्टोर करके रखेंगे तो आप बरसात के दिनों में धनिया पत्ती को यूज़ कर सकते हैं। हमें अब इस धनिया पत्ती को पंखे के नीचे 2-3 दिन तक सुखाना है। हमें इसे धूप में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाने से इसकी खुशबू चली जाएगी। धनिया की खुशबू बरकरार रहे इसलिए हमें इसे पंखे के नीचे सुखाना है। 2-3 दिन में ये आराम से सूख जाएगी। अब हम इसे पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देंगे और आपको हम अगले दिन दिखाएंगे कि कितना सूखा है। 2 दिन हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी धनिया पत्ती सूख गई है और ये स्टोर करने लायक एकदम तैयार हो चुकी है। जब आपके पास धनिया पत्ती अवेलेबल ना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जब बारिश के सीजन में धनिया पत्ती महंगी हो जाती है तब के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी धनिया पत्ती का कलर जैसा था वैसा ही है, एकदम ग्रीन, और इसकी खुशबू भी बरकरार है। इसे हमने छाए में सुखाया है पंखे के नीचे इसलिए इसकी खुशबू और कलर वैसा का वैसा ही है। अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर भी चला जाएगा और इसकी खुशबू भी नहीं रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक डब्बे में स्टोर करके रख देते हैं। आप इसे पॉलीथीन में भी स्टोर करके रख सकते हैं और डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कंटेनर में धनिया पत्ती को स्टोर करके रख दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारे धनिया पत्ती स्टोर करने की ट्रिक, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।